सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर, दिस वन। अब एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में सबसे पहले वी नो देयर आर टू वेज टू स्कैन एनएमआर स्पेक्ट्रम। फर्स्ट वे कि जिसमें मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखें और रेडियो फ्रीक्वेंसी को चेंज करें। जो इंस्ट्रूमेंटेशन इस टाइप से होती है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखते हैं और रेडियो फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, उसको हम कहते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर, जिसको एफटी एनएमआर भी बोला जाता है। सेकंड वे क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करो और रेडियो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखो, उससे उल्टा कर दो। इस टाइप की जो इंस्ट्रूमेंटेशन होती है उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूस वेव स्पेक्ट्रोमीटर, जिसको हम CW भी बोलते हैं। ये नई टेक्निक है, ये पुरानी है। पुरानी को हम कहेंगे क्लासिकल और नई को कहेंगे हम एडवांस्ड और मॉडर्न टेक्निक। जो पुराना मेथड है इसमें एक सैंपल के एनएमआर लेने में 2 से 5 मिनट लगते हैं, जबकि एफटी एनएमआर में एक सैंपल की रिकॉर्डिंग हो जाती है विदिन 5 सेकेंड। सो पुराने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें ये टाइप है और जो नए इंस्ट्रूमेंट है एडवांस है उसमें ये टाइप है। अब आपकी बुक में जो गिवन है दैट इज द डिटेल ऑफ कॉन्टिन्यूस वेव स्पेक्ट्रोमीटर, तो अब हम इसको आगे स्टडी करते हैं। तो कॉन्टिन्यूस वेव स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होता है? अगेन क्लासिकल मेथड जिसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरी की जाएगी और रेडियो फ्रिक्वेंसी को कॉन्स्टेंट रखा जाएगा। तो आप इसकी फिगर देखो, ये मैग्नेट्स हैं, ये सैंपल ट्यूब है, इसके अराउंड एक कॉयल है, वो कॉयल जो रेडियो फ्रीक्वेंसी को प्रोवाइड करेगी। ये है रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर जो प्रोवाइड करेगा, कितनी पावर रखी हुई हमने 60 मेगाहर्ट्ज। और यहां से मैग्नेट है जो हमने की मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है। देन इसके परपेंडिकुलर डिटेक्टर है जो कि सिग्नल की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करेगा और उसको इंक्रीज करेगा, साथ में ही एम्पलीफायर है। ये आ गया रिकॉर्डर। तो पार्ट बाय पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये रहे। सेकंड पार्ट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर, दिस वन। आगे है जी सैंपल ट्यूब, ये सैंपल ट्यूब है, इसकी डिटेल अभी हम बाद में देखते हैं। नेक्स्ट वन इज डिटेक्टर, ये रहा डिटेक्टर। डिटेक्टर इज प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू द सैंपल ट्यूब। रिकॉर्डर, दिस इज रिकॉर्डर, और ये क्या है, ये रिकॉर्ड देगा इन द फॉर्म ऑफ चार्ट पेपर। और कौन से यूनिट्स होंगे, फ्रीक्वेंसी नजर आएगी और एक आपको पार्ट्स पर मिलियन PPM यूनिट नजर आएंगे। अब हम डिटेल में बात करते हैं इसकी सैंपल ट्यूब की। सैंपल ट्यूब का नंबर वन साइज क्या है, 5 mm वाइड लॉन्ग। ओके, जो भी आपने कंपाउंड का NMR स्टडी करना है सबसे पहले उसको सॉल्वेंट में डिजोल्व करना पड़ेगा। यू नीड टू टेक केयर, सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रोटॉन बिल्कुल ना हो। तो मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्वेंट जो है दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। आप ड्यूटी रेटेड क्लोरोफॉर्म भी यूज कर सकते हो। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, उसमें से प्रोटोन को निकाल के ड्यूटीरियम लगा दें तो उसको ड्यूटी रेटेड क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। ओके, और ये जो सैंपल ट्यूब होती है ना, इट इज स्पन। स्पन का मतलब होता है कि इस तरह से घूमती रहती है। क्यों घूमती रहती है, यहाँ पे दो मैग्नेट है। अगर सैंपल ट्यूब प्रॉपरली घूमती रहेगी तभी सारे के सारे सैंपल को प्रॉपरली, प्रॉपर का मतलब यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। इन केस अगर ये स्टेग्नेंट है तो हो सकता है कुछ सैंपल के पार्ट को मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मिले, कुछ को कम मिले। इसलिए इसको स्पन करना, इस तरह से मूव करना अराउंड इट्स एक्सिस बहुत जरूरी है। तो ये इस तरह से सारी इंस्ट्रूमेंटेशन है कि ये मूव करती रहती है लाइक दिस। सो दैट्स ऑल अबाउट NMR स्पेक्ट्रोमीटर।